वे ऑफ फेथ चर्च रेतगढ़ जो कि समाणा विखे स्थित है। पास्टर गुरचरण सिंह जी जो कि बहुत ही वधिया तरीके नाल अपनी सेवावां दे रहे हैं। आने वाली मिति 20 दिसंबर नूं पिंड रेतगढ़ विखे वड्डे दिन दा दिहाड़ा बहुत ही धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। साडी पंजाब प्रेस दी टीम ने पास्टर गुरचरण सिंह जी नाल इस संबंध में विशेष मुलाकात की। आओ नज़र मारते हाँ इस दीआं झलकियां ते। दर्शको पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानूं मिलाण जा रहे हां पास्टर गुरचरण सिंह जी दे नाल, जिहड़े पिछले लंबे समय तो अपनी सेवावां दे रहे ने, चैरिटी कर रहे हैं और समाणा के इस एरिए दे विच आके अज क्रिश्चियनिटी नूं एक नया रूप दे रहे हैं और हज़ारों की गिनती दे विच लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं। सर तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। धन्यवाद जी तुहाडा। पंजाब प्लस जो भी चैनल तुसीं इस जगह ते आए हो, मैं तुहाडा भी स्वागत करदा क्योंकि तुहाडे तो बिना भी साडी कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं हुंदी। सो मैं तुहाडा धन्यवाद करदा वे ऑफ फेथ चर्च रेतगढ़ दे विच। सर रेतगढ़ का चर्च जिहड़ा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट हैगा और जिस तरीके नाल हीलिंग हो रही है इत्थे, जिस तरीके दे नाल लोगों के दुख दूर हो रहे हैं, जिस तरीके दे नाल तुसी एक नवी जिंदगी दे रहे हो उन्हां लोगों नूं जिहड़े दुखां तों जिहड़े परेशानियां तों जूझ रहे हैं, उहदे बारे की कहना चाहोगे? सर मैं इहदे बारे इह कहना चाहांगा कि जो हीलिंग्स हो रही ने, जो परमेश्वर दे इस जगह ते काम हो रहे ने, जो लोगों का इकट्ठ हो रहा वह गुरचरण नूं देख के नहीं हो रहा। गुरचरण की है, एक मिट्टी का पुतला है। सेम असी एक इंसानी जामे दे विच असी सारे ही आए हैं। सो जो कम होंदे ने परमेश्वर के नाम के विच होंदे ने, यीशु के नाम के विच होंदे ने। सो उदू पहलां भी गुरचरण सी, लेकिन उदू पहलां कम नहीं सी होंदे, लेकिन जदों परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम च मैनूं चुणिया, अज हज़ारां ही लोग जिहड़े हैगे ने उह परमेश्वर नूं कबूल कर चुके ने ते उह अपने जीवनां नूं बदल चुके ने, अपने रहन बसेरे नूं बदल चुके ने। अज वो देखते हैं हीलिंग ऑन द स्पॉट। तुसी यूट्यूब चैनल पर देखते हो कि कई भैणां दीआं टुट्टियां हड्डियां ने जिहड़ियां ऑन द स्पॉट जुड़दियां ने, और जिन्हां भैणां दे कोई बच्चे नहीं हुंदे तुसी देखते हो कि उन्हां नूं पवित्र आत्मा की आवाज़ के नाल उन्हां दे नाम जिहड़े ने पहलां ही रखे जाते हैं। इस सो सब कुछ ये परमेश्वर की देन है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सो मैं अपने बल नाल नहीं, अपनी शक्ति दे नाल नहीं, सो यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा ये सब कुछ हो रहा। सो देखा जाए जी, अज तो 7 साल पहलों का जो मेरा जीवन से, माई लाइफ इज़ वेरी डिसगस्टिंग। मेरा जीवन से जोड़ा वो नशे नाल भरया होया, व्यापचार के नाल भरया होया, बदमाशी के नाल भरया होया, अयाशी के नाल भरया होया। लेकिन खुदा मैनू दिखाता सी कि मैं लोगों के प्रचार कर रहा। आई थिंक मैं समझता सी कि एक सुपना ही है जोड़ा सुपना मैनू आ रहा। सो कितना कितने मैं इस गल नूं इग्नोर कर दिंदा सी क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम ज़्यादा नहीं सी, 22 साल की उम्र सी। इस उम्र के वैसे भी लोगों नूं रब जिहड़ा हैगा चेते नहीं हुंदा। सो मैं इग्नोर करता रहा, 2 साल लंघ गए, 3 साल लंघ गए, लेकिन जदों खुदा ने मेरे उत्ते अपने अनुग्रह नूं पाया, सो मेरी एक नवी जिंदगी उन्होंने दिती कि मैनू एक लख तो उन्होंने जीरो बना दिता कि मैंने 1-1 रुपये तो भी तरसना शुरू हो चुक्या सी। सो जदों मैंने अपनी सुसाइड करन दा प्लैन सी जिहड़ा वो बनाया, जदों सुसाइड करन तो 10 दिन पहलां ही पिता परमेश्वर ने मैनू दर्शन दिते यीशु मसीह के रूप दे विच, और यीशु मसीह जी ने मैनू सुपने दे विच जां हकीकत कह लैंदे जां सुपना कह लैंदे, उन्होंने मेरी वाह नूं पकड़िया ते मैनू उठाया कि तू डरना, मैं तेरे नाल हाँ, सो तेरे करजे का प्रबंध मैं करांगा। सो जिहड़ा मती 11:28 दे विच लिखिया कि हे सारे थके हुए ते भारे दबे हो लोको, मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम देंगा। सो वचन मेरी जिंदगी दे विच पहली बारी उही वचन पूरा होया। सो उदों तो लैके अज तक फिर मैं वो कॉलिंग नूं समझ चुकिया सी कि ये जिहड़ी आवाज़ आ ये उस पिता परमेश्वर दी है जिहनूं मैं इग्नोर करदा हाँ। सो मैं उस आवाज़ नूं सुनिया ते जदों मेरा कर्जा सारे दा प्रबंध कीता मेरे परमेश्वर ने, सो उदों तो लैके अज तक मैं उस पिता की आवाज़ नूं सुनदा हाँ। अज दा पिता परमेश्वर ऑन द स्पॉट हीलिंग करदा, वो तो हजे मेरी स्टार्टिंग सी कि मेरे वर्गे उन्हें व्यापचारिक बंदे नूं सुधारना सी, मेरे वर्गे नशाड़ी बंदे नूं उन्हें एक चमकाना सी। उस टाइम पास्टर गुरचरण नूं कोई जानदा नहीं सी, लेकिन अज पास्टर गुरचरण नूं पूरे वर्ल्ड दे विच दुनिया जानदी है यीशु मसीह दे नाम दे विच। जदों असीं देखदे हां कि अज दा जिहड़ा युग है, अज दा जिहड़ा यूथ आ, अज दी जिहड़ी दुनिया है, वह पैसे नूं हत्थां ते उठाई फिरदी है कि सानूं तंदुरुस्ती मिल जावे, कि सानू कोई वधिया ट्रीटमेंट करन वाला मिल जावे, सानू कोई वधिया हॉस्पिटल मिल जावे, जां सानू कोई वधिया तंत्र मंत्र करन वाला मिल जावे जिहड़ा साडे दुखां नू दूर कर दे। बट इस जगह ते की है,
कि जदों तुसी प्रभु यीशु मसीह जी नूं स्वीकार करदे हो, अपने जीवन नूं परमेश्वर नूं सौंप दिंदे हो, तां फिर सानूं पैसे की जरूरत नहीं है कि साडा पैसा लगेगा। इत्थे इस जगह दे विच वे ऑफ फेथ मिनिस्ट्री रेतगढ़ दे विच कोई एक बंदा भी पूरे वर्ल्ड दे विचों उंगली कढ के कह दे कि हाँ जी पास्टर गुरचरण सिंह जी ने प्रेयर कीती सी ते सानूं पैसों की डिमांड कीती है। सो असी ये मैसेज जिहड़ा हैगा दुनिया नूं दिखाना चाहुंदे हां क्योंकि साडे परमेश्वर ने सानूं यही कहा कि तैनूं फ्री दिता गया और तू अगे फ्री ही देना। सो खुदा दी सामर्थ नूं, खुदा दे अनाउंटिंग नूं असी वेच नहीं सकते। सो जे अज कम हो रहे ने, दुनिया अज चंगी हो रही है, जिहदा कोई पैसा नहीं लादा, जिहनूं एड्स दीआं प्रॉब्लमां सी, जिहदा कोई इलाज ही नहीं है, अज तुहाडे समाणे दे विच एड्स वाले बंदे भी बैठे ने, जिन्हां नूं कैंसर दी प्रॉब्लम सी लास्ट स्टेज दे उत्तों, अज ओह भी चंगे होए बैठे ने। सो जिन्नियां भयानक बीमारियां ने ओह यीशु मसीह दे नाम च दूर हुंदियां ने। हुण उहनां तों किन्ना कु पैसा आपां ने वसूल किया, ओह उन्हां नूं यही गल दसी जाती है कि भाई तुसीं यीशु मसीह जी नूं स्वीकार करो, पिता परमेश्वर दे नाल रिश्ता बनाओ, जिदा वह असी जिंदगी जीने, जिदा यीशु मसीह जी ने जिंदगी जी के दिखा के गए ने लोगों। सो सेम जदों असी उही लाइफ नूं जीना शुरू कर दें, हाँ असी रहना तो इस दुनिया दे विच है, लेकिन असी दुनिया जिहे काम नहीं करने। बीमारियां आदियां कितों ने, जदों साडे पाप वधदे ने उहदे नाल सानूं बीमारियां लगदियां ने, जां साडे जिहड़े पीढ़ी दर पीढ़ी पाप ने जिहड़े चलते रहिंदे ने, सो उही साडे किते ना किते बीमारी दी जिहड़ी हैगी आ जड़ों बणदे ने। सो जो तुसी यीशु मसीह जी दे कोल आने हो तो तुहानूं पापां दी माफ़ी मिलती है, जो पाप माफ़ हो जाते हैं, जिदा ही फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं कहना चाहांगा। सो जिदा मोबाइल दे विच असी देखते हैं कि चलाना शुरू कर देने, कई बार मोबाइल हैंक होना शुरू हो जाता, वह हैंक क्यों हुंदा, इहदा मतलब उहदे विच वायरस आ गया। जो असी उहदे विच एंटीवायरस इंस्टॉल कर देने तो रीसैट कर देने सारे नूं, तां उही पुराना मोबाइल है जिहड़ा वह मिंटां सकिंडां दे विच एप्लीकेशनां नूं खोलना शुरू कर दिंदा। सो इस सेम इस वे दे नाल यही इंसानी जामा है जिहड़ा, जदों इहदे अंदरों पाप जिहड़े ने साफ किए जाते हैं, जदों यीशु मसीह के लहू के नाल असी प्रेयर करते हैं तो बंदे के पाप जिहड़े होंदे ने क्षमा हो जाते हैं, उहदियां बीमारियां ने जिहड़ियां कट जांदियां ने, तो बंदा खुद वो खुद फ्री दे विच तंदुरुस्त होकर जाता, वो ऐटोमैटिक दुनिया नूं दस दिंदा कि मैं फ्री दे विच ठीक हां। मैं लैके जा नहीं रहे, मेरे तो उत्ते खुदा की कृपा हुई है, मैं कौन हाँ किसी नूं लैके जाण वाला, सब तो पहला मैं माफ़ी चाहुंदा मैं लैके नहीं जा रहा। सो जो भी लोग आते हैं वो कितने ना कितने परमेश्वर की हीलिंग देखते हैं, वो कितने ना कितने लोगों दी गवाहियां सुनते हैं, वो कितने ना कितने आने का सपोर्ट परमेश्वर के होए हुए कामों देखते हैं। सो जिहड़े हुण इत्थे साडे कोल हज़ारां ही तादाद दे विच लोग आते हैं, तो वह जो उन्होंने 20-50 लोग जिहड़े खड़े होकर गवाही देते हैं कि पास्टर जी तुसीं प्रेयर की साडा ये हो गया, पास्टर जी तुसीं प्रेयर की साडा ये काम हो गया। सो जिहड़े दूजे भैन भरा बैठे होंगे ने उन्हां दी जिंदगी दे विच उदों काम होंगे ने जदों विश्वास कर लैंदे ने यार, जदों इहदी जिंदगी दे विच यीशु मसीह जी ने काम किया, सो मेरी जिंदगी दे विच अज नहीं तां कल होएगा। सो जदों उन्हां दा विश्वास बनता है तां काम होंगे ने डेफिनेटली। सर ये चर्च जिहड़ा रेतगढ़ दा चर्च हैगा जिथे क्रिसमस का जिहड़ा पवित्र दिहाड़ा आ रहा है उहदे लई कमर कस के बड़ी तुसीं मुस्तदी नाल सेवा दे विच लगे हो, और बहुत सारे जिहड़े तुहाडे नाल फॉलोअर्स ने जिन्हां लोगों नूं प्रभु यीशु मसीह ने नवीं जिंदगी दित्ती हैगी आ, उन्हां दी हीलिंग कीती है, वह भी सारे बड़े तत्पर ने उस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के मनाने के लिए, वो बारे की कहना चाहो। सब तो पहला तो मैं तुहानू सारयां क्रिसमस डे दियां जो भी मैनू सुन रहे ने सानू सारयां नू लख लख मुबारक। जिहड़ा 12वां महीना हुंदा पवित्र शास्त्र के सानू 25 दसंबर किते भी लिखा नहीं है भी असी 25 दसंबर मनाउणा, क्योंकि हाँ इहदा मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह का जन्म नहीं सी होया, यीशु मसीह का जन्म होया लेकिन उहदे विच डेट क्लीयर नहीं, इस करके दसंबर महीने दे विच तुसी जो मर्जी जिहड़ा हैगा क्रिसमस डे मना सकते हो। सो वे ऑफ फेथ मिनिस्ट्री रेतगढ़ दे विच 20 तरीक नूं असी क्रिसमस डे मनावांगे पूरे धूमधाम दे नाल, पूरे इलाके दे विच बाहरों भी पास्टर आउणगे साडे कोल, ते संगतां ने जिहड़ियां ओह बाहरों दूरों नेड़ों सारियां पहुँचणगियां इस जगह ते। सो प्रभु यीशु मसीह दे जन्मदिन नूं असी बड़े धूमधाम नाल मनावांगे, साडे जिन्ने भी परिवार मैनूं जिन्ने भी मेरे भैन भरा चाहुण वाले यीशु मसीह नूं देख रहे ने, सो वह भी आवाज़ नूं सुन कि 20 तरीक नूं असी बढ़िया तरीके दे नाल असी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्मदिन असी सैलीब्रेट करांगे वे ऑफ फेथ मिनिस्ट्री दे विच। सो आईयां होईयां संगतां दे लई वधिया खाने का प्रबंध होएगा, वधिया तुहानूं जलेबियां ते वधिया तुहानूं नाश्ता ब्रेकफास्ट ए टू जैड सब कुछ प्रिपेयर होएगा। सो परमेश्वर के जन्मदिन दी तुहानूं सारयां नूं लख लख मुबारक ने। सर इस चैनल के माध्यम से हम जिहड़े भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि हर बंदा जिहड़ा हैगा अज थोड़ा जिहा उदास है दुखी है, उहदे मन दे विच उस वेले ही क्वेश्चन उठता भी असीं इन्हां नूं मिलना होवे, अगर भी किसी भी मतलब जिहड़े भी चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं तुहाडे नाल कंटैक्ट करना होवे
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਆ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੇਤਗੜ੍ਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੇਤਗੜ੍ਹ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਬਾਊਟ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇ ਆਫ ਫੇਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਦਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸਟਰ, ਉਸ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਵੇ ਆਫ ਫੇਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੀਆਂ।